युद्ध की विभीषिका पूरे विश्व पटल पर मंडरा रही है और ये क्षण पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे समय में हम सबको विश्व शांति की भावना भानी चाहिए, जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, और हमने इसी भाव से इस प्रार्थना सभा को रखा है, सर्वधर्म विश्व शांति प्रार्थना सभा। इस मौके पर सभी को अपने अपने स्तर पर शांति की कामना करनी चाहिए, मंगल भावना भानी चाहिए, और देश भर में नहीं पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हो, अगर इस स्तर से शांति की भावना रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। मैं यही चाहता हूँ कि पूरे विश्व के सभी धर्मों, पंथों, परंपराओं को मानने वाले लोग मानवता पर आए हुए संकट के निवारण के लिए अपने अपने स्तर पर प्रार्थना करें, भावना भाएं, मंगल कामनाएं करें, और उससे निश्चित एक सकारात्मक परिणाम आएगा, क्योंकि ऐसे दौर को नियंत्रित करने का हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं। मैं सारे समाज से यही कहूँगा कि अपने अपने स्तर पर ये प्रार्थना करें, और सबसे उत्तम हो कल का जो 8:30 का समय है, बहुत अच्छा होगा। सारे देश के लोग उसी समय अगर ये प्रार्थना करें तो और उत्तम है। 15 मिनट की प्रार्थना अगर करें पूरे विश्व के लोग 8:30 से एक साथ, तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सामूहिक रूप से जब हम इस तरह के सकारात्मक भाव प्रकट करते हैं तो इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा परिवर्तन है।